लेसन 28, मैनेजिंग बैकअप। इस चैप्टर में हम डेटा का बैकअप लेना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और डेटा रीस्टोर करने के बारे में जानेंगे। डेटा बैकअप टाइम टू टाइम लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इन केस कभी भी डेटा में कोई करप्शन होती है फॉर एनी रीज़न लाइक पावर फेलियर और वायरस अटैक, तो आप लास्ट सेव डेटा कॉपी से डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। डेटा रेगुलर इंटरवल्स पे हम ये सजेस्ट करेंगे कि डेटा का बैकअप आपको लेते रहना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बैकअप कॉन्फ़िगरेशन की। आप बैकअप से जुड़ी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यूज़ करके। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को क्लिक करके देखिए, यहाँ पे हम नॉर्मल बैकअप की अभी बात करेंगे। FTP बैकअप जो कि हमारा सर्वर पर लिया जाता है, FTP बैकअप, उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर में। नॉर्मल बैकअप का मतलब है कि आपने जो पाथ बताया उस स्पेसिफाइड पाथ पे आपका डेटा जो है सेव हो गया। यहाँ पे देखिए, अलग अलग डेज के लिए आप अलग अलग फोल्डर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आप मंडे को बैकअप लेंगे तो आपको पाथ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो पाथ यहाँ पे स्पेसिफाइड है उसी पे डेटा की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ऐसे आप मंडे टू संडे हर डे के लिए अलग अलग फोल्डर स्पेसिफाई कर सकते हैं। FTP बैकअप के केस में आप सर्वर का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड अगेन फोल्डर्स वीकडेज के लिए बता सकते हैं। बॉटम में ऑप्शंस है प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। यदि आप इस ऑप्शन पे ये स्पेसिफाई करते हैं तो कंपनी क्लोज करते हुए बिजी आपसे पूछेगा कि कंपनी का बैकअप लेना है या नहीं लेना। दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर प्रोसेस कि आप कंपनी आपने क्लोज करी तो जो भी नया काम हुआ है कॉपी क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आपका सारा डेटा सेव रहे। इस ऑप्शन को यस करने पर एक और ऑप्शन है एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। यदि आप इसे यस करते हैं तो आप बैकअप लिए बिना कंपनी को क्लोज नहीं कर सकते। बेसिकली कंपल्सरी हो जाएगा, मैंडेटरी, कि आप पहले डेटा बैकअप लें और उसके बाद ही कंपनी क्लोज होगी बिजी में। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। ये तो हुई हमारी बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे एक्चुअली में डेटा बैकअप लेना। उससे पहले देखिए, जब मैंने यहाँ पे क्लोज कंपनी किया, बिजी ने हमसे पूछा कि आप स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, तो येस या नो आप अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद डेटा का बैकअप लेने के लिए आप कंपनी में बैकअप डेटा ऑप्शन को यूज़ करेंगे, वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड बताएंगे, जो कि जो भी यूज़र्स ऑथराइज्ड हैं डेटा का बैकअप लेने के लिए अलॉन्ग विद सुपर यूज़र, तो उनका नाम और पासवर्ड बताएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आप पाथ बताएंगे कि कहाँ पे आपको डेटा का बैकअप लेना है। यदि हम किसी ऐसे डे पे बैकअप ले रहे होते जिसके लिए कि फोल्डर स्पेसिफाइड है, तो ऑटोमेटिकली वह यहाँ पे पिक होके आ जाता। उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना है या सभी फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट अभी हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, वो आप बताएंगे। उसके बाद बिजी ने पूछा प्रोसीडिंग फॉर द बैकअप, आप ओके बटन प्रेस करेंगे यदि आप बैकअप कंपनी का लेना चाहते हैं। इसके बाद जब बैकअप सक्सेसफुल होगा, यानी कि डेटा कॉपी क्रिएट हो जाएगी, तो बिजी आपको एक मैसेज शो कर देगा। ये तो हुआ डेटा बैकअप। इसके बाद यदि इन केस आपको कभी डेटा को रीस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको डेटा में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप रीस्टोर डेटा ऑप्शन को यूज़ करके जो भी आपका लास्ट क्रिएटेड बैकअप था, जो भी लास्ट क्रिएटेड डेटा कॉपी थी, उससे डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं और अपना काम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टोर डेटा ऑप्शन को क्लिक करने पर देखिए, हमने कहा नॉर्मल बैकअप रेस्टोरेशन, हमने यहाँ पे बताया कहाँ से जो है डेटा को रीस्टोर करना है, तो आप यहाँ पे पाथ बताएंगे जहाँ पे कि आपकी बैकअप फाइल पड़ी है। इसके बाद बिजी ने एक मैसेज शो किया कि जिस पाथ पे हम डेटा रिस्टोर कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक कंपनी पड़ी है, तो आपको उस कंपनी का डेटा ओवरराइट करना है या नहीं। यदि आप ओवरराइट करते हैं तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा है इस कंपनी का, उससे ये नए डेटा से जो बैकअप कॉपी से वो ओवरराइट हो जाएगा। यदि आप नो करते हैं, यानी कि ओवरराइट नहीं करना, तो एक नई कंपनी करंट डेट जिसमें कि अपेंड होगी उस नाम से क्रिएट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे अगर नो किया तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ में करंट डेट जो है अपेंड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स थी, यदि हमने ओवरराइट किया होता तो उसी में नया डेटा क्रिएट हो जाता। ओवरराइट नहीं किया तो एक नई कंपनी उसी नाम में करंट डेट अपेंड होके बन गई।
तो ये था हमारा बैकअप और रिस्टोरेशन का प्रोसेस। होप इस चैप्टर के थ्रू आप इजीली विजी में डेटा बैकअप ले सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिस्टोर भी कर सकेंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हैं या फिर कुछ कंसेप्ट के लिए आपको चैप्टर रिव्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।